घर ही दिखाया, सेम घर ही, 70,000। 70,000 आपका भाई का घर 70,000 का नहीं है, कम है इसका दाम। देखो दोनों एक साथ सेम में नहीं आता, तू कितना ऊपर है, मैं कितना नीचे। वाइड एंगल सामने नहीं है ना, कम नहीं मिल रहा है ना भाई। गाड़ी का हालत बहुत ही फैंटास्टिक है, सब खोल खाल के भरा हुआ है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल DBS, लेट्स राइड एंड एक्सप्लोर। सो आज फाइनली अपना गाड़ी में ना बेस्ट ट्यूब लगने वाला है। सो ये अपना पप्पू भाई साथ में है और हम लोग अब जा रहे हैं। अगर पसंद हुआ तभी लगाएंगे, अगर पसंद नहीं हुआ तो नहीं लगाएंगे। सो आप लोग को टाइटल और थंबनेल का तो पता चल ही चुका होगा, लगा है कि नहीं लगा है भाई, तो हम लोग को ही पता नहीं लगा है कि नहीं लगा है। तो चलिए बने रहिए वीडियो में और चलते हैं शॉप पे। बहुत दिन से पप्पू भाई सोच रहा था कि हाँ ये लगाना है, पर ना ये वो भी सोच रहा है कि ये गाड़ी सेल कर देगा, वो दूसरा गाड़ी लेगा। इसलिए बहुत दिन से मतलब आज जाके प्लान हुआ है कि हम लोग बेस्ट टू फाइनल लगाने वाले हैं। सो उतना हाई एंड का नहीं लगाएंगे, मिड रेंज का लगाएंगे, तो जाके देखते हैं कौन सा टाइप का मिलता है। सो फिलहाल अब हम लोग हाफ वे डाउन आ चुके हैं, तो देखते हैं यहाँ से कितना टाइम लगता है। और गुवाहाटी में ना बहुत ज्यादा जाम है, बहुत गर्मी भी है गुवाहाटी में, बहुत ज्यादा गर्मी है ना। तावांग जाने का प्लान करो यार, चलो तावांग चलते हैं। तो फाइनली आ चुके कार ट्रेंस में ये, और ये खानापुर के सामने एक शॉप है। सो हम लोग ने सिलेक्ट किया ये 10 इंच वाला, ये मिचेन का है भाई, चाइनीज ही होगा, उतना नहीं है, हम लोग का बजट कम था। सो इसका प्राइस जो हम लोग को आया है विथ वायरिंग 7,000, और वायरिंग में आप लोग को दिखा देता हूँ। और ये वाला है हम लोग का वायरिंग, काम जो चालू हो चुका है। और भाई ने बोला लगभग 30 से 45 मिनट लगेगा, और भाई जो बढ़िया से काम कर रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। और ये रहा हम लोग का वायरिंग जो साफ की तरह लग रहा है, और इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, बैटरी के साथ कनेक्ट हो चुका है। और भाई भी अंदर से कहाँ डालेगा पता नहीं, तो डालने दो भाई, जिसको जहाँ से डालना है डालते रहो, सिर्फ गाना बजना चाहिए। समझ रहे हो आप? यहाँ का आप लोगों को एड्रेस दे देता हूँ, ये जो है ना शार्प विवांता का ऑपोजिट में है, यहाँ से दिख रहा है विवांता। सो विवांता का एकदम ऑपोजिट में और क्या एड्रेस दूँ भाई, और मैं दुकान का बोर्ड दिखा देता हूँ। और ये रहा इसका बोर्ड, आप लोग ये देख के भी आ सकते हैं। और भाई मैंने तो आपको बता ही दिया, ये शार्प विवांता का ऑपोजिट में ही है। मौसम बारिश भी चालू हो चुका है, ये देखो इस तरफ धूप है और इस तरफ बारिश, वाह रे जिंदगी भाई। फाइनली बेस्ट लग रहा है, कैसा फीलिंग आ रहा है? बहुत अच्छा आ रहा है ना, उसके बाद म्यूजिक सुनने के बाद ही पता चलेगा। देखो दोनों एक साथ फ्रेम में नहीं आता, तू कितना ऊपर है, मैं कितना नीचे। वाइड एंगल सामने नहीं है ना, कम नहीं मिल रहा है ना। फाइनली अपना काम जो कंप्लीट हो चुका है, अभी सिर्फ कनेक्शन देना बाकी है। कनेक्शन के बाद भाई फिर होगा धमाल। गाड़ी का हालत बहुत ही फैंटास्टिक है, सब खोल खाल के भरा हुआ है, पता नहीं कैसे क्या लगेगा, उन लोग ही लगा के देगा। सो ये 3 प्लग आया, ये 3 प्लग कहीं पर तो लगना है ना, कहीं पर लगेगा। जो मेन प्रॉब्लम जो आ रहा है ना, ये स्पीकर जो हिल रहा है जगह से, तो इसको फिक्स करवाना है अभी। मैं तो सोचता था कि बेस्ट ट्यूब ना डायरेक्ट लगा और फिट हो जाता है, पर ऐसा नहीं है भाई। बेस्ट ट्यूब लगाने के लिए आपको वायरिंग चाहिए, फ्यूज चाहिए, कन्वर्टर चाहिए, भाई बहुत कुछ चाहिए भाई, सिर्फ बेस्ट ट्यूब ला के लगाने से नहीं होता है। तो हम लोग का फाइनली सब फिटिंग हो चुका है, तो अभी मोमेंट ऑफ ट्रूथ देख लेते हैं इसको प्ले करके। ओह भाई, नेक्स्ट लेवल साउंड। ओ भाई कैसा मजा।
रहा है, गाड़ी पूरा हिल रहा है। तो ठीक है, इसको बंद करते हुए भाई अपना काम हो चुका है। काम ना बहुत बढ़िया, कोई भी वायर कट नहीं हुआ है, डायरेक्ट भाई प्लग टू प्लग कनेक्शन था। और उन लोग सब मैथ के नीचे से तार लिए, कोई भी तार एक्सपोज नहीं है। चलिए मैं आप लोग को तार अगर दिखा सकता हूँ तो दिखा दूंगा। ये रहा अपना वायर, और ये वायर ना नीचे से होके मैथ के नीचे से होके एकदम पीछे चला गया है, और कोई भी वायर कट नहीं हुआ है, डायरेक्ट सब वायर टू वायर कनेक्शन हुआ है, प्लग टू प्लग कनेक्शन हुआ है। भाई को सीखना है ये इसको बेस को बंद कैसे करते हैं और बेस कैसे कमाता है। इसका साउंड जो है बहुत ज़्यादा है और वैल्यू फॉर मनी है भाई, एक नंबर का वैल्यू फॉर मनी है। चलो भाई साहब काम हो चुका है और निकलते भी यहाँ से। सब कुछ तो ठीक था पर आखिर में थोड़ा उन लोग क्या बोला मतलब पता नहीं। हम लोग को तो 7000 में बात हुआ था, तो उन लोग बोला नहीं, हम लोग ने 8000 बोला था। तो भाई इसके बारे में क्या बोलोगे, लूट लिया ना। सो लास्ट में थोड़ा हम लोग डिसएडवांटेज करके लास्ट 500 दे के आ गए, तो हम लोग का कॉस्टिंग है 7500। तो बाकी सब बढ़िया था। अगर इन लोग ने अगर इंटेंशनली भाई किया है तो ये गलत किया है, तो ये करना नहीं चाहिए। तो हम लोग को साउंड बहुत ही अच्छा लगा भाई, बजट में अच्छा सब ऊपर मिल गया हम लोग को। आप लोग बहुत दिन से देख रहे हैं मेरा ये हाथ ना खाली है, क्योंकि मेरा जो जीशॉक का वॉच है ना वो खराब हो चुका है। मतलब मैं बैटरी चेंज करने दिया था, उन लोग खराब करके छोड़ दिया भाई। तो मैं स्विमिंग में गया था तो उसमें पानी घुस गया, तो उसको भी ठीक करने दिया हूँ, तो वो अभी जाके लेना पड़ेगा। सो वो अभी ले लेते हैं, तो उसका प्राइस कितना है मुझे कुछ पता नहीं, तो देखते हैं, कम में हो जाना चाहिए। चलो यार हो चुका है काम अपना, फाइनली वॉच मिल चुका है और खर्चा बहुत हो चुका है भाई। मैं आप लोग को दिखाता हूँ कितना खर्चा हुआ है। और ये रहा इसका बिल 2900, और 2900 क्या चेंज हुआ है मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये डिस्प्ले चेंज हुआ है भाई, इसका दाम 2900 है। और पप्पू भाई कुछ बोलने वाला है। 2900 उसमें पल्टन बाजार से 30 तो घड़ी मिल जाएगा, 30 तो घड़ी मिल जाएगा। टाइम एक ही दिखाएगा, टाइम एक ही दिखाएगा ना, ये अपना टाइम दिखाता है, ये अपना टाइम दिखाता है। 30 जन का टाइम दिखाएगा, मम्मा चाचा पापा सबको दे दो, सबको देखो बात दो। खर्चा ही खर्चा यार, खर्चा ही खर्चा यार। ये घड़ी भी तो महंगा है ना, बहुत महंगा। 70000 का घड़ी हमको पहनना है यार, 70000 के घड़ी, बुका प्रूफ। मैंने अपना घड़ी ठीक नहीं करवाता, पर इसके पीछे एक रीजन है। पप्पू भाई बोलेगा वो रीजन क्या है। रीजन है हम लोग उस दिन गया था कैसियो में, हम लोग घड़ी दिखाया, सेम घड़ी 70000। आपका भाई का घड़ी 70000 का नहीं है, कम है इसका दाम। आपकी बार 70000 चाहिए हमको, वो घड़ी हमको चाहिए, इसलिए हम लोग ठीक किया। सो इसलिए हम लोगों ने ये घड़ी ठीक करवा लिया भाई, अपने को रिक्स लेना ही नहीं है। 70000 का घड़ी। सो फ्रेंड्स आज के वीडियो के लिए इतना। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा, तो अच्छा लगने से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लिव लाइफ लेस ऑर्डिनरी, और जय श्री राम।